सर तीसरे टर्म कैसे आएगा? तो राजू बोला सर तीसरे टर्म में तो डी को दो बार प्लस कर लीजिए और एक टर्म तो यही तीन टर्म हो जाएंगे। बात सही है। चौथा टर्म सर तीन बार प्लस कर लीजिए। तो राजू से मैंने कहा बेटा एक लॉजिक देख रहे हो आप इसमें? राजू कह रहा समझ में तो आ रही सर, जो भी टर्म है डी उससे एक कम बार प्लस कर रहा हूं। जैसे ए वन था तो डी को मैंने जीरो बार ऐड किया, दूसरा टर्म था तो डी को एक बार ऐड किया, तीसरा टर्म था तो डी को दो बार ऐड किया, चौथा टर्म था डी को तीन बार ऐड किया। मैंने कहा ऐसी बेटा अगर राजू आप एनवे टर्म पे पहुंच गए तो क्या लिखोगे? राजू बोला सर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मैंने कहा बेटा एन का क्या फॉर्मूला बोल रहे थे तुम? अब राजू चक्कर में पड़ गया, बोला सर ये तो वही आ गया फॉर्मूला, आ गया सर फॉर्मूला आ गया। राजू हमारा पढ़ रहा था एक बार, हमने पूछा बेटा राजू क्या पढ़ रहा हो आज? बोला सर एपी का रिवीजन कर रहा हूँ। अच्छा बेटा एपी में क्या पढ़ रहा हूँ? जरा डेफिनेशन सुनाओ एपी की, क्या होती है एपी? राजू, राजू को जानते हो आप? अच्छा पहले राजू को इंट्रोडक्शन करा देते। राजू हमारा स्टूडेंट है, कुछ भी पढ़ा तो एक बार में रट के सुना देता और कभी भूलता नहीं, चाहे समझ में कुछ आए ना आए राजू के, मगर राजू याद बहुत तेज करता है। इसलिए तीन साल से आईआईटी की तैयारी कर रहा है मगर निकल नहीं रहा राजू का, थोड़ी मीना वाले गुड़ है ना राजू में। मीना समझ गए ना आप? हाँ नहीं समझ गए तो कोई बात नहीं, समझ जाओगे। तो राजू जो है तीन साल से पढ़ रहा है हमारा, और बेसिक रिवीजन बिल्कुल टेंथ का भी पढ़ता है, इलेवन का भी पढ़ता है, ट्वेल्थ का भी पढ़ता है, लेकिन और मेहनत बहुत कर रहा है राजू, मगर राजू जो है समझने पे थोड़ा कम ध्यान देता है, इसलिए कुछ दिक्कत है राजू के साथ। अब राजू की बात सुनिए आप। तो हमने पूछा राजू बेटा क्या पढ़ रहे हो? राजू ने कहा सर एपी का बेसिक बिल्कुल शुरू कर रहा हूँ, टेंथ से इलेवन पे जाऊँगा, टेंथ की अभी तैयारी कर रहा हूँ, एपी पढ़ रहा हूँ, और सर मुझे डेफिनेशन भी याद है एपी की। मैंने कहा अच्छा बेटा डेफिनेशन याद है एपी की, सुनाओ बेटा। सर अ सीरीज ऑफ नंबर्स इन विच द डिफरेंस ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट। अरे बाप रे, एकदम झन्नाटेदार सुना दी उसने डेफिनेशन, यानी कि राजू को बात तो समझ में आ गई। हमने पूछा बेटा एक एग्जाम्पल देकर समझाओ जरा। मैंने सोचा पूछूं इससे कि इसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसने कहा सर अभी दे देते, दो चार छ आठ दस। मैंने पूछा जरा समझाओ कैसे वो आई है एपी, और बच्चों को भी समझाओ। उन्होंने कहा सर देखो दो के बाद चार, दो प्लस कर दिया सर, फिर दो प्लस कर दिया सर, फिर दो प्लस कर दिया, फिर दो प्लस कर दिया। हमने कहा डेफिनेशन में तो कुछ और बता रहा था डिफरेंस ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर। बोला सर मैं ये बता रहा था कि अगर आप दो टर्म का डिफरेंस ले लें कोई से भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म तो कॉन्स्टेंट रहेगा और इसी को एपी कहते हैं। यार बात तो सही लगी मुझे। अब मैं सोचूं बेचारे का फिर तीन साल से हो क्यों नहीं पा रहा है, इतना समझदार है ये तो। सर दस में से आठ गए दो बचे, आठ में से छः गए दो बचे, छः से चार गए दो बचे, चार से दो गए दो बचे, इसे सर कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अब राजू पूरी बात बता रहा है, यानी कि अ सीरीज ऑफ नंबर इन विच द डिफरेंस ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड एन एपी और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। शायद आप भी जानते होंगे क्लास टेन के स्टूडेंट अगर आप हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि एपी क्या होती है, और जो दो टर्म का डिफरेंस आता है उसे कहते हैं भैया कॉमन डिफरेंस, डी से डिनोट करते हैं। बात सही है। अब राजू बोला सर कभी कभी फॉर्मूला में दिक्कत आ जाती है, एन टर्म का फॉर्मूला है ना वो? मैंने कहा हाँ फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला? वो सर है नहीं एन टर्म का फॉर्मूला, ए प्लस एन कुछ करके ऐसा करके, उसमें दिक्कत आ जाती है। और सर एन टर्म जो एस एन वाला फॉर्मूला है उसमें भी कभी कभी सर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। मैंने कहा बेटा एपी में कौन सा फॉर्मूला है बे? सर फॉर्मूला है नहीं, ए ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी करके कुछ, और सर वो एस एन का फॉर्मूला नहीं है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी करके। मैंने कहा इसे फॉर्मूला बोलते हुए तुम, ये फॉर्मूला है मेरे हिसाब से तो ये एक नंबर्स का लॉजिक है जो देख के थोड़ा पता आप तुम्हें भी ऑब्जर्व हो जाएगा। राजू चक्कर में आके ये फॉर्मूला नहीं है। अब फॉर्मूला तो वो होता है जो डिराइव किया गया हो और बड़ी मेहनत के साथ कोई थ्योरम्स कुछ एग्जियम्स लगे हों उसमें, मेरे हिसाब से तो ये फॉर्मूला नहीं है, नंबर्स के बहुत सिंपल लॉजिक है उसको फॉर्मूला बोल रहे हो आप लोग। अब राजू बिल्कुल चरणों में गिर गया, गुरुजी ये समझा दो क्या कैसे आया, मैंने रट तो लिया है मगर मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। अब राजू का सवाल है लेकिन मुझे लगता है आपको भी करना चाहिए, ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है, ये क्या है, ये क्या है? ए एन इक्वल टू कोई भी टर्म निकाल लो, मान लो इसी एपी का 15वां टर्म निकालना हो तो दो दो प्लस करके 15 तक तो जाओगे नहीं, तो तुम कहोगे सर हम फॉर्मूला लगा लेंगे, ए होता है फर्स्ट टर्म, एन होता है नंबर ऑफ टर्म और डी होता है कॉमन डिफरेंस, सर पता लगा लेंगे हम बिंदास। यार बात तो सही कह रहे हो। अब यहां पर एक बात बताइए, अगर हमारा पहला टर्म दो है, तो मैंने राजू से पूछा, राजू कह रहा है यस सर, और कॉमन डिफरेंस कितना है? तो राजू बोला सर ए टू माइनस ए वन होता है कॉमन डिफरेंस। अब मैंने एक चंकट और लगाया फिर राजू के, मैंने कहा अगर पहला दूसरा टर्म नहीं दिया हुआ, पांचवा और छठवां टर्म दिया हुआ,
तो क्या 6 से 5 वाले को माइनस करने पर डी नहीं आएगा? अब राजू ने 2 मिनट सोचा, कह रहा सर बात तो सही है, आ तो इसमें भी जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? नहीं समझ रहे हैं? कुछ टीचर्स ने डी का फॉर्मूला A2 - A1 बना दिया है। हम के कहते हैं कोई से भी 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म आपस में डिफरेंस करा दो, आप हर सक्सेसिव टर्म से किसी पिछले टर्म को माइनस करा दो, बन जाएगा। तो क्या हम डी का फॉर्मूला A2 - A1 लिखें, A6 - A5 लिखें, A10 - A9 लिखें, या ये लिख लें An - An-1। अगर n की वैल्यू 5 होगी तो ये 4 अपने आप हो जाएगी, अगर ये 10 होगी 10 में से एक जाएगा ये 9 अपने आप हो जाएगी। मतलब कोई से भी 2 सक्सेसिव कॉन्सिक्यूटिव टर्म माइनस करा लो, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अब राजू तो बहुत खुश है, सर समझ में तो आ रहा है, बढ़िया इस बार निकाल दूंगा मैं आईडी। अब राजू बहुत खुश हो गया, सर डी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बट आपने ये क्यों कहा कि एपी में कोई फॉर्मूला नहीं है, वो नंबर का सिंपल लॉजिक है, सर एक बार बस समझा दो, इस बार क्लियर कर दूंगा मैं, बिल्कुल क्लियर कर दूंगा आईडी। अच्छा राजू का सुन बेटा, फिर तू कैसे हुआ ये लॉजिक का 2 हो गया, हाँ कॉमन डिफरेंस निकाल लो इसका, पहला टर्म हो गया ए से डिनोट करते हो कॉमन डिफरेंस, चलिए कॉमन डिफरेंस भी 2 आ रहा है, तो ये दूसरा टर्म कैसे निकाला? कहा सर दूसरा टर्म मैंने निकाला है 2+2 करके, मैं कॉमन डिफरेंस प्लस करता जा रहा हूँ। कहा ये वाला कैसे निकाला? बोला सर पहला टर्म लिखो, अब मैं 2 बार प्लस कर दे रहा हूँ 2 × 2। बोले ये वाला कैसे निकाला? सर पहला टर्म लिखा, अब मैं 3 बार प्लस कर दे रहा हूँ। ये चौथा टर्म कैसे निकाला? सर पहला टर्म लिखा और इसको सर अब मैं जो है 4 बार प्लस कर दे रहा हूँ। ये था 5वां टर्म। अका बेटा इसके आगे वाला टर्म कैसे निकालोगे? बोले सर मैं पहला टर्म लिखूंगा और 2 की मल्टीप्लाई 5 से कर दूंगा। अंकल ठीक है, बिल्कुल ठीक है राजू, कह रहा सर ऐसे ही तो करते हैं, बात तो समझ में आ रही है। अब क्या मैं एक एपी बना रहा हूं, उस एपी का पहला टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, उस एपी का पहला टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। तो मैंने कहा बेटा राजू जरा बताओ पहला टर्म कितना होगा? बोला सर ए। मैंने कहा दूसरा टर्म कितना होगा? बोला सर ए में डी प्लस कर लीजिए। सही है बात, ध्यान से सुनिएगा, तो सर ए में डी प्लस कर लीजिए आ जाएगा। हाँ सही बात है, दूसरा टर्म ये हो गया A1 A2। सर तीसरा टर्म कैसे आएगा? तो राजू बोला सर तीसरा टर्म है तो डी को 2 बार प्लस कर लीजिए और 1 टर्म तो यही 3 टर्म हो जाएंगे। हाँ बात सही है। चौथा टर्म सर 3 बार प्लस कर लीजिए। तो राजू से मैंने कहा बेटा एक लॉजिक देख रहे हो आप इसमें? राजू कह रहा हूँ समझ में तो आ रही है सर, जो भी टर्म है डी उससे 1 कम बार प्लस कर रहा हूँ, जैसे A1 था तो D को मैंने 0 बार ऐड किया, दूसरा टर्म था तो D को 1 बार ऐड किया, तीसरा टर्म था तो D को 2 बार ऐड किया, चौथा टर्म था D को 3 बार ऐड किया। मैंने कहा ऐसी बेटा अगर राजू आप nवें टर्म पे पहुंच गए तो क्या लिखोगे? राजू बोला सर A+N-1 × D। मैंने कहा बेटा An का क्या फॉर्मूला बोल रहे थे तुम? अब राजू चक्कर में पड़ गया, बोला सर अरे ये तो वही आ गया, फॉर्मूला आ गया सर, फॉर्मूला आ गया। अब राजू टोटल फैन हो गया बिल्कुल अपना, सर गुरुजी कमाल कर दिया आप, बिल्कुल समझ में आ गया बिल्कुल ये लॉजिक क्या है। तो मैंने राजू से कहा कि ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये सिंपल ऑब्जर्वेशन है एक, अगर हम कोई एपी बनाते हैं एपी की डेफिनेशन क्लियर है और उसका फर्स्ट टर्म और हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाए तो जो भी हमें टर्म निकालना है पहले टर्म में हम उसमें से 1 कम करके डी से मल्टीप्लाई करा दें और उसमें ऐड कर दें तो आंसर आ जाएगा। यही हमारा nth टर्म होता है, An = A+N-1 × D। जैसे हमें 7वां टर्म निकालना है तो हम इसको लिख सकते हैं A+6D। 6 टर्म तो यहां से मिल जाएंगे, 6 बार आगे जाएंगे और 1 टर्म ये, तो 7वां टर्म तो आ ही जाएगा। तो ये था लॉजिक nth टर्म का। क्या आप इसी तरीके से SN भी जानना चाहते हैं कि N/2 2A+N-1 × D कहां से आया, और इसी को ही हम लोग लिखते हैं N/2 A+L। ये क्या चक्कर है? अगर ये भी आप जानना चाहते हैं इसी सिंपल तरीके से तो स्टे ट्यून्ड विद मी, मिलूंगा आपसे बहुत जल्दी इसी फैक्ट के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।